डी पीदल उन्होंने मुख्तिक और बेजाबतियों पर वजाहत सुनी आई जी पंजाब राव सरदार अली खान ने डी एस पीज अरदल रूम में तमाम पहलुओं का जायजा लेने के बाद तीन डी एस पीज को महकमे से बर्खास्त करने के अहकाम जारी किए जबकि डी एस पी आसिफ हनीफ मोहम्मद इकबाल और अमीर अबास के शो कॉज नोटिस को दाखिल दफ्तर किया गया आई जी पंजाब ने अहकाम जारी करने से कब डी एस पीज को अपना मौक़ पेश करने का भरपूर मौका फरहम किया आई जी पंजाब राव सरदार अली खान का कहना था कि इख्तियार से तजावज़ और करप्शन में काली भेड़ों की महकमे पुलिस में कोई गुंजाइश नहीं पहले जजा फिर सजा की पॉलिसी के तहत अफसरान और अहलकारों के महकमाना एहतसाब के अमल को तेज़ किया जा रहा है नॉन प्रोफेशनलिज़म और गफलत के जुम्मेदार के खिलाफ बी जीरो टॉलरेंस के तहत कार्रवाई जारी रहेगी आई जी पंजाब रादारे का तफसी जायजा लिया गया आईजी पंजाब की अंदर गैंग के तमाम मुलजमान की जल्द अज जल्द गिरफ्तारी के लिए तमाम वसायल बुरोए कार लाने की हदायत की उनका कहना था कि अंदर गैंग के सफाक मुलमान के अलावा उनके सहूलत कारों को भी कानून की गिरफ्त में लाया जाए डी पी ओ रहीम यार खान कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली जिया ने पुलिस की कार्रवाईओं बारे इजलास में ब्रीफिंग दी कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली जिया का कहना था कि अंदर गैंग के मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए त्रिपल रेड किए जबकि कच्चे के इलाके में भी सर्च ऑपरेशन जारी हैं अब तक चौदह अफराद को रिमांड पर भिजवाया गया है जबकि हर पहलू से वाकई की तफ्तीश यकीनी बनाई जा रही है हेड कांस्टेबल मोहम्मद अरशद की नमाज जनाजा गजूबत कब्रिस्तान में अदा कर दी गई नमाज जनाजा में सी सी पी ओ लाहौर फयाज़ अहमद देव एस एस पी एडमन मुबशर मेकन और एस पी हेडकोर्टर्स ने शिरकत की सी सी पी ओ लाहौर ने अहल खाना की मुकम्मल देखभाल की यकीन दहानी करवाई सी सी पी ओ लाहौर का कहना था कि लाहौर पुलिस एक फैमिली की मानद है हमारी खुशियाँ और गम एक है। है। हैं हेड कांस्टेबल अरशद डेंगी बुखार में मुबतला थे और जनरल हस्पताल में जेर इलाज थे में में बतौरबल्ट का, का दौरा उन्होंने थाने के फ्रंट डेस्क हवाला समेत मुख्त हिस्सों का मुआना किया डी आई जी ऑपरेशन ने थाने में आए शहरों से मुलाकात की उन्होंने शहरियों से उनके मसाइल बारे इस्तफार किया बायोमेट्रिक मशीन ख़राब होने पर डीआईजी ऑपरेशंस ने नाराजगी का इजहार किया उन्होंने मुतल अफसरान को मॉडल थाने में एस ओ पी के मुताबिक इंतजाम के लिए तीन दिन की मोहलत दी एहसन ने थानों के कैमरे कंप्यूटर डिस्पेंसर और दीगर इलेक्ट्रॉनिक अशिया दुरुस्त हालत में रखने की हदायत की डी एस पी जनूबी छौनी सर्कल उमर फारूक भी इस मौके पर मौजूद थे एस एस पी ऑपरेशन लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मुस्तसर फिरोज की फ्रंट डेस्क अफसरान से मीटिंग थानों की वर्किंग को स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन की तर्ज पर ढालने और निज़ाम में कलीदी बेहतरी के बारे एहकाम जारी किए एस एस पी ऑपरेशन कैप्टन रिटायर्ड मुस्तसर फिरोज का फ्रंट डेस्क अफसरान से मीटिंग के दौरान कहना था कि थाने में आने वाले तमाम शहरीों की दरख्वास्तों पर फौरी ई टैग लगाए जाएं। थानों में आने वाले हर शहरी की दादरसी के लिए कोशिशें करें अफसरान ने एस एस पी ऑपरेशन को अपने मिसाइल से आगाह किया उनका कहना था कि हर शहरी को अपने घर के फर्द की तरह डील करें संगीन जरायम की दरखास्तें मौसू होने पर मुतलका अफसर के फौरी नोटिस में लाएं और मुकदमार का बिला तखिर करें इन शाह हम सब मिलकर आवाम की हकीकी मानों में खिदमत और उनका पुलिस पर बहाल करेंगे एस पी मॉडल टाउन लाहौर साद अजीज की इछरा और लियात आबाद पुलिस में शहदा के घर आमद एस टी पी ओ इछरा सुल का और एस एच ओ हमरा थे एस पी मॉडल टाउन ने शहीद हेड कॉन्स्टेबल शबीर कॉन्स्टेबल मुमताज़ अतीक और आसिफ के लवाकिन से मुलाकात की लाहौर पुलिस की जानब से वरसा को फूलों के गुलदस्ते और तहफ़ पेश किए गए शहीद कांस्टेबल आसिफ की वालदा की ढेरों दुआएं जबकि शहीद अतीक के बेटे का पुलिस फोर्स ज्वाइन करने का आजम एस पी मॉडल टाउन साद अजीज ने कहा कि लाहौर पुलिस हर लम्हा अपने शहदा के वरसा के लिए एक सरपरस की हैसियत से मौजूद है लाहौर पुलिस की तारीख फरैज की खातिर जान कुर्बान करने वाले सपूतों से भरी पड़ी है एएसपी रावलपिंडी पी रावल साउद खान की जेर निगरानी सदर बेरूनी पुलिस का फौरी एक्शन अपनी अहलिया पर तशद करने और कैद रखने वाला मुलजिम गिरफ्तार रावलपिंडी पुलिस ने अपनी अहलिया पर तशद करने और उसे कैद में रखने वाला मुलजिम गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया वन फाइव कॉल पर फौरी रिस्पॉन्ड करते हुए पुलिस ने घर में कैद खातून को बाजियाब करवाया पुलिस ने फरार होने वाले मुलजिम शोहर आदिल रहमान को दो घंटे के अंदर गिरफ्तार किया ये थी अब तक की अहम खबरें मजीद अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए पी एस ए डॉट मीडिया और सोशल मीडिया पर